दोस्तों, हिल स्टेशन पर जाना किसे अच्छा नहीं लगता। जब भी हम हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं तो हमारे मन में वहाँ की हसीन वादियाँ आती हैं, वो गुलाबी ठंड आती है, और इस शहरों की भागदौड़ से भरी जिंदगी से दूर एक शांत वातावरण में समय बिताने का टाइम मिलता है। वो बहुत ही सुखद अनुभव होता है और हमें बहुत सुकून देता है। और अगर आप लोग भी हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे हैं, और स्पेशली अगर आप खुद से ड्राइव करके जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ड्राइविंग टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हिल स्टेशन पर हिली रोड्स में गाड़ी चलाने के लिए यूज़फुल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नितिन, और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन सिटीजन्स पर। हिल स्टेशन के जो रास्ते होते हैं वो कुछ इस तरीके के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, वो काफ़ी घुमावदार होते हैं, उनमें ब्लाइंड स्पॉट्स भी बहुत सारे होते हैं। उतना स्पेस नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा चौड़े भी नहीं होते, वो काफ़ी सकरे होते हैं, मुश्किल से एक गाड़ी या दो गाड़ी निकल पाती है, बस इतना ही रास्ता चौड़ा बन पाता है। और खास बात ये है कि उन सभी रास्तों में एक साइड में खाई नुमा वैली होती है, और दूसरे साइड में पहाड़ी, एक वॉल नुमा पहाड़ी होती है। तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप ऑफ रोड कहीं अपनी गाड़ी को उतार सको, वो ऑप्शन नहीं होता आपके पास। प्लस वो जो रास्ते होते हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर हिल स्टेशन पर ड्राइव करके जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपको हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाने में थोड़ी सी मदद मिल पाए और आप इन बातों का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रख पाए। सबसे पहली बात है कि हिल स्टेशन पर क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, सड़क उतनी चौड़ी नहीं होती, आपको अपनी साइड को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे इंडिया में रूल्स है कि हम लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, तो अपनी गाड़ी को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं हिल स्टेशन के रोड्स में। बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता होता कि आगे 10 मीटर पर क्या है, और जब आप 30 या 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो 10 मीटर का फासला कुछ भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कब कुछ सामने आ जाएगा और क्या हो जाएगा। तो उससे बचने का यही उपाय है कि अपनी गाड़ी को हमेशा अपनी साइड में रखें, चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं चाहे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को हमेशा साइड में रखें और कभी भी एंटिसिपेट नहीं करें कि आगे का पूरा रोड खाली है और हम निकल सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे रोड बड़े घुमावदार होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, आपको पता नहीं होता सामने से अगले मोड़ से क्या चला आ रहा है। अचानक से आपके सामने कोई ट्रक आ गया या कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो आप एकदम बौखला जाओगे कि क्या करना है। इसलिए हिल स्टेशन पर आप हॉर्न बजा के, जहाँ पर भी ब्लाइंड स्पॉट है, हॉर्न बजा के संकेत दे सकते हो, या थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि उधर से कोई हॉर्न की आवाज़ तो नहीं आ रही, अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो हॉर्न दे के गाड़ी चलाइए, ये बहुत ज़रूरी होता है हिल स्टेशन पर। नहीं तो अचानक से सामने से गाड़ी आ गई तो या तो आप नीचे जाओगे या फिर पहाड़ी में जाके घुस जाओगे। किसी भी सिचुएशन में आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ चलाना है। तो हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस तरीके के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जिनमें आपको हॉर्न दे के गाड़ी चलाना चाहिए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें हॉर्न वहाँ देने से अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे कुछ हमारे हॉर्न से लोगों को डिस्टर्ब होता है, लेकिन पहाड़ों में ज़्यादातर इस तरीके के मोड़ पर कोई नहीं रह रहा होता, खाली होते हैं, तो आप आराम से हॉर्न दे के अपने आप को सुरक्षित रख के गाड़ी चला सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमको ओवरटेक करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादातर केस में तो हमें हिल स्टेशन वाले रास्तों में ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता और बहुत जल्दी जल्दी मोड़ होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी घुमाव होते हैं, तो आप ओवरटेक इतना इजी नहीं होता। लेकिन फिर भी बाई चांस आपके सामने कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो गाड़ी आ गई है और उसको आपको ओवरटेक करके निकलना है, तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए और सामने बहुत सारा स्पेस खाली देखकर ही ओवरटेक करना चाहिए। कभी भी किसी मोड़ पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो किस तरीके की सिचुएशन आएगी कि आप जिस तरीके के ये भाई साहब इस मोड़ पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं
और इनके सामने से ट्रक चला आ रहा है। अब सोचिए इनकी क्या हालत होगी, इनके पास बचने का कोई भी स्पेस नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को डालने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बचाओ, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ओवरटेक करो तो अपने सामने का बहुत सारा खुला स्पेस देखकर ही ओवरटेक करो, नहीं तो थोड़ी देर धैर्य रख के पीछे चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित पहुंचो। बोलते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, थोड़ी सी देर हो जाए तो चलेगा, लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि अच्छे आजकल तो हिल स्टेशन पर भी काफी अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, तो जो नए नए ड्राइवर्स होते हैं, जो जिनको उतना तजुर्बा नहीं है, वो लोग अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, ड्राइव करके जाते हैं और बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि वही लोग एक्सीडेंट्स का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसका रीज़न है कि वो लोग अपनी गाड़ी को उतना उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, और हिल स्टेशन में तो ये क्राइम है। मेरे मेरे हिसाब से तो ये क्राइम ही होना चाहिए कि आप इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ही नहीं, दूसरों को भी असुरक्षित कर रहे हो। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है यार, अपनी जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी मिलती है। कई नए नए ड्राइवर्स को हमने देखा है कि वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को प्रूव करने के लिए भी हिल स्टेशन पर जाते हैं और वहां पर हीरोपंती करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं। ये हो सकता है ये तो मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन कई लोग जानबूझ के इस तरीके की चीजें करते हैं। इन चीजों को अवॉइड करो, कभी मत करो, अनलेस कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके पास कोई और उपचार ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तभी इनको ट्राई ट्राई करो। तब मैं तो तब भी नहीं बोलूंगा कि इन चीजों को ट्राई करो, लेकिन इन चीजों को नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये चीजें आपके लिए नहीं करनी चाहिए, अनलेस ये चीजें उनके लिए छोड़ दो जो उस जगह के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको रात दिन उन जगहों पर ड्राइव करनी है, वो लोग करते हैं, करने दो उनको, आप उनके जैसे मत बनो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट मेरे अपने खुद के तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं मसूरी से दिल्ली आ रहा था, तो मैंने एक टैक्सी बुक की थी। वो टैक्सी वाले भाई साहब ने क्या किया कि ऊपर से नीचे आना है, तो इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दिया और पूरे रास्ते वो बिना गाड़ी स्टार्ट किए ही ऊपर से नीचे आ गए। मैंने कि वाह यार, इसने तो सारा पेट्रोल बचा लिया, ये तो अपने को भी ट्राई करना चाहिए। तो इस चीज ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। फिर जब मैं कई सालों बाद मैं अपनी गाड़ी मैं खुद से ड्राइविंग करना सीख गया, मेरे पास अपनी गाड़ी हो गई, फिर उसके बाद जब मैं किसी हिल स्टेशन पर गया तो मैंने भी ये चीज ट्राई करने की कोशिश करी। विश्वास मानिए, उस दिन मैंने अपने और अपने परिवार की जान के साथ खेला है, और किस तरीके से मैंने सबकी जान बचाई है ये मुझे ही पता है। क्या होता है कि पुरानी गाड़ियों में जो पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक्स नहीं होते थे, तो इग्निशन ऑफ करके भी आप उनको अच्छे से यूज कर सकते थे। लेकिन अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, इन नई सब नई गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक्स होते हैं, जो कि अगर आप इग्निशन ऑफ कर दोगे तो बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि आप हिल स्टेशन पर जाओ और इग्निशन ऑफ कर दो, कभी भी मत करना। आप अपनी गाड़ी को हमेशा इंजन स्टार्ट रखो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। अपनी जान के साथ मत खेलना, कभी भी मत करना ये काम। एक और पॉइंट है दोस्तों, वैसे तो हिल स्टेशन में गाड़ी चलाना अपने आप में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर क्योंकि हिल्स में बारिश ज़्यादा होती है, और अगर बारिश हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो विंडशील्ड होती है उससे आपको इस तरीके का दिखाई देता है, और अगर बारिश बहुत तेज हो रही है तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को रोक लो, कहीं रोक के खड़े हो जाओ, मत ड्राइव करो। पता नहीं ना आगे क्या हो, और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो अपने हिसाब से डिसीजन लेके आप उसमें करो। लेकिन मेरा मेरा सुझाव ये है कि स्पीड काफ़ी कम कर लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ गाड़ी चलानी चाहिए अगर बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, एक तो आपको दिख नहीं रहा ऊपर से, जो पॉट होल्स होते हैं वो भी आपको नहीं समझ में आते, तो उन सब से बचना है और अपने आप को और अपनी गाड़ी को और अपनी फैमिली को सबको सुरक्षित लाना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे, इस तरीके से हम अपने और अपने परिवार के और अपने सभी प्रिय मित्रों की जान की सुरक्षा की गारंटी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना,
इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।